नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला इतने बजे से हो जाएगा शुरू, और साथ ही दोस्तों टीम इंडिया ने किए हैं दो बड़े बदलाव। तो दोस्तों, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या रहने वाली टीम इंडिया की रणनीति और साथ ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया सीरीज को 5-0 से अपने नाम करे। तो दोस्तों, 5 मुकाबलों की इस T20 सीरीज में टीम इंडिया तैयार है इतिहास रचने के लिए, और दोस्तों इतिहास रचने से टीम इंडिया सिर्फ एक कदम दूर है, यानी कि दोस्तों न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हराने का ये रिकॉर्ड टीम इंडिया अपने नाम कर सकती है तीसरा मुकाबला जीतकर। तीसरा मुकाबला जो कि खेला जाएगा हैमिल्टन के मैदान में, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया अब तक यहाँ पर एक भी T20 मुकाबला नहीं जीत पाई है, तो ये टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर जरूर है, लेकिन टीम इंडिया इस समय शानदार फॉर्म में है। ऑकलैंड में खेले गए दोनों मुकाबलों में दोस्तों भारतीय टीम ने टॉस नहीं जीता, लेकिन दोनों मुकाबले अपने नाम किए, और न्यूजीलैंड को उसी के घर में लगातार दो मुकाबले हराने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, क्योंकि टीम इंडिया ऐसा पहले कभी नहीं कर पाई थी, और न्यूजीलैंड में इस समय इनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अब तीसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया चाहेगी कि यह मुकाबला जीत कर इस सीरीज को यहीं पर सील कर दे और अपने नाम कर ले। टीम इंडिया का प्रदर्शन देख कर लग रहा है कि तीसरा मुकाबला भी इस समय भारतीय टीम अपने नाम कर सकती है, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाज गेंदबाज इस समय काफी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। बल्लेबाजी में टीम इंडिया के लिए सिर्फ रोहित शर्मा ने उतनी अच्छी पारियां नहीं खेल पाए दोनों मुकाबलों में, बाकी सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। भारतीय टीम के लिए ये काफी शानदार मौका है, क्योंकि इससे पहले कभी न्यूजीलैंड में T20 सीरीज टीम इंडिया ने नहीं जीती है। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की इस टीम को कतई यहाँ पर कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये टीम पलटवार करना जानती है, क्योंकि दोस्तों इस टीम के पास भी कई चैंपियन खिलाड़ी मौजूद है, जिसमें दोस्तों T20 के दो सबसे खतरनाक ओपनर इसी टीम के पास मौजूद है, मार्टिन गप्टिन और कॉलिन मुनरो। इसके अलावा गेंदबाजी में भी बेहतरीन गेंदबाज है, और साथ ही दोस्तों अनुभवी बल्लेबाजों की बात करें तो केन विलियमसन, रॉस टेलर इसी टीम के खिलाड़ी हैं जो कि पहले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों हैमिल्टन में ये टीम जरूर यहाँ पर बैकअप कर सकती है, यानी कि एक बार फिर सीरीज को जीवित कर सकती है न्यूजीलैंड के लिए। तो दोस्तों, अब तीसरे T20 में भारतीय टीम की रणनीति की बात करें दोस्तों, तो टीम इंडिया चाहेगी कि न्यूजीलैंड को कोई भी मौका इस मुकाबले को जीतने का ना दे। साथ ही दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों को शानदार शुरुआत देनी होगी, खास करके रोहित शर्मा को, जिनका प्रदर्शन दो मुकाबलों में काफ़ी खराब रहा। उम्मीद है कि अब इस तीसरे मुकाबले में इनका बल्ला जरूर बोलेगा। वहीं पर दोस्तों विकेट कीपर के तौर पर एक बार फिर हमें नजर आने वाले हैं KL राहुल, जिनकी फॉर्म इस समय काफ़ी शानदार है, और इनके साथ साथ दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों पर एक बार फिर निगाहें रहेगी, और साथ ही गेंदबाजों पर भी। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं इस तीसरे T20 मुकाबले की टाइमिंग की। तो दोस्तों ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार 12:30 पर 29 जनवरी को। वहीं पर यह मुकाबला खेला जाएगा सेडन पार्क हैमिल्टन में, और दोस्तों यहाँ पर यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले टीम इंडिया कभी भी यहाँ पर कोई T20 मुकाबला नहीं जीत पाई है। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, क्या प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरना चाहेगी। तो दोस्तों ओपनिंग में तो यहाँ पर रोहित शर्मा और KL राहुल ही उतरेंगे। KL राहुल बेहतरीन फॉर्म में, और रोहित से इस मुकाबले में बेहतरीन पारी की उम्मीद है। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर और 5 पर मनीष पांडे, तीनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में है। ऑलराउंडर में शिवम दुबे और रविंदर जडेजा काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इस टीम के लिए, और इनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। 8 पर युजवेंद्र चहल, 9 पर नवदीप सैनी या फिर शार्दुल ठाकुर में से एक, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11 पर मोहम्मद शमी। हालांकि दोस्तों युजवेंद्र चहल की जगह पर भी कुलदीप यादव को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों तीसरे मुकाबले में आपको क्या लगता है टीम इंडिया में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, और साथ ही दोस्तों क्या टीम इंडिया इस सीरीज को इसी मुकाबले में अपने नाम कर लेगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।